ये देखो यहाँ पर बैठा है कोहिनूर का बच्चा, ये शायद फीमेल है। जितने ये लोग खाएंगे उतने खा लेंगे, बाकी हमारे अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे पत्ते तोड़े थे वहाँ से, ठीक है। तो अभी ये काफ़ी स्मार्ट है, हाँ ये चलता है, खेलता है, सब करता है। तो मैं एक प्ले करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी शाम का टाइम है और हम लोगों ने हमारे कबूतरों को खोल दिया है, और हमारे साथ है मोहम्मद अली, आयान और मम्मी। तो देखो सुबह सुबह मैंने बकरों का घर साफ किया था, और देखो कितना सारा इसके अंदर से मींगनी का मटेरियल निकला है। पूरी टेरेस पे मैंने बिछा दिया है इसको सूखने के लिए, और अभी कबूतर इसमें से थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े ढूंढ के खा लेंगे। और अजवा और यूम अंदर ही खा रहे हैं आज। आज मैंने इन लोगों को सुबह बाहर निकाला था, शाम को बाहर नहीं निकालते हम लोग इनको आजकल। तो ये यूम यहाँ पे खा रहा है और अजवा यहाँ पर खा रही है। और इन लोगों का आज घर भी मैंने साफ़ किया है, देखो थोड़ा सा इन लोगों ने गंदा कर दिया है। और चलो मैं आप लोगों को कोहिनूर का बच्चा दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर बैठा है कोहिनूर का बच्चा, ये शायद फीमेल है और इसीलिए ये इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं दिख रहा है। अगर ये मेल होता तो ये बहुत हेल्दी होता, ठीक है। बीच में इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी जैसा मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, और अभी ये ठीक है, इसीलिए आज मैंने इन लोगों को मैं दवाई भी दी है ताकि इनका डाइजेशन ख़राब ना हो। तो अभी सब लोग वहाँ पे खा रहे हैं, और यहाँ पे बॉक्स में देखो हमारा जो रोमियो है, रोमियो और रूबी, उन लोगों ने एक अंडा दे दिया है, और नीचे दो अंडे हैं हमारे समायरा और सुलेमान के, ठीक है। बाकी तो बस जो है वही है। तो अभी कबूतरों को मस्ती करने देते हैं और थोड़े से दाने डाल देते हैं इन लोगों को। रोटी खा लिए ना ये लोग, वो दाने देना, दाने लाया। तो देखो सबके सब इंतजार कर रहे हैं दानों का। जितने ये लोग खाएंगे उतने खा लेंगे, बाकी हमारे जो जंगली कबूतर आते हैं वो खा लेंगे। और देखो वहाँ पर मैंने पानी दिया है, तो पानी बहुत अच्छे से पीते हैं और इससे इनका डाइजेशन ठीक हो जाता है। अगर आप लोगों के पास ये वाला नहीं है ना, बता बॉटल, तो ये बॉटल बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। अगर ये बॉटल नहीं है आपके पास तो आप लीवर 52 का टॉनिक भी दे सकते हो अपने जानवरों के लिए। कोई भी हो, कबूतर हो या बकरा हो या डॉग हो, लीवर 52 आप दोगे लिक्विड वाला, तो उससे इनका डाइजेशन ठीक हो जाता है। बोल टोटल कितने कबूतर हो गए? नहीं जान दे, मत गिन, गिनने का नहीं। अभी हमारे पास एक ही बच्चा है, ठीक है ना। अभी हर बार दो बच्चे तीन बच्चे हमारे पास रहते हैं, इस बार एक ही बच्चा है, बाकी अंडे हैं। और अभी अभी देखते हैं उनमें से बच्चा निकलता है नहीं निकलता है ना। इसका नाम क्या रखें? माँ को पूछ, माँ को। ये छोटे वाले बच्चे का नाम क्या रखें बताना, बोलना क्या नाम रखें इनका, ये छोटे वाले बच्चे का, कोहिनूर के बच्चे का नाम क्या रखे, तू बता। सब बच्चे का नाम तूने ही रखा है ना, तो इसका भी तू बता दे अभी। तो हम लोग है ना इसका नाम सोचते हैं कोहिनूर के बच्चे का, क्योंकि उसकी ग्रोथ के हिसाब से मेरे को लग रहा है वो फीमेल है, लड़की है वो, लड़का नहीं है। तो कोई लड़की वाला नाम ही रखो तुम लोग, क्योंकि उसका जो साइज़ है उसके हिसाब से वो फीमेल ही लग रहा है मुझे। सिम्बा दे, कैसे चल रहा है सिम्बा, कैसे चल के आ रहा था? नहीं नहीं वो पीने दे, वो पानी पूरा। सिम्बा दे कैसे कर रहा है, उसके गले में कुछ फंस गया लगता है,
उसने भी रोटी खाया ना तो उसके गले में कुछ फंस गया, इसके लिए वैसे कर रहा है। अरे कैसे कर रहा है, देख देख देख, उसके गले में कुछ फंस गया, बहुत खतरनाक बनेगा सिम्बा। ये देखो गाइस, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पत्ते तोड़े थे वहाँ से, ठीक है, तो अभी थोड़े पत्ते मैंने इन लोगों को दे दिया खाने के लिए, और ये लोग अंदर खा रहे हैं पत्ते। दोनों को अलग अलग दिया है, अजवा वो साइड खा रही है ये देखो, और यूम यहाँ पे खा रहा है। तो अंदर मैं इसीलिए इन लोगों को खिलाता हूँ क्योंकि अंदर ये लोग काफ़ी आराम से खा लेते हैं, और बाहर निकलते हैं ना तो यहाँ पर दीवार के ऊपर चढ़ते हैं, जंप मारते हैं, फिर वहाँ पर से प्लास्टिक वगैरह खींचने लग जाते हैं, मतलब आराम से नहीं खाते। इसीलिए इन लोगों को मैं यहाँ पर अंदर खिलाता हूँ, फिर जब इनका खा पी कर हो जाता है तो इनको मैं थोड़ी देर बाहर निकालता हूँ, ठीक है। ये काफ़ी स्मार्ट है, हाँ ये चलता है, खेलता है, सब करता है। बीच में इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी ना तो मुझे लगा कि ये गया, लेकिन वो दवाई पिलाए इसको, और वो ईंट का जो पाउडर है ना वहाँ पर देखो, मैंने अभी फिर से ईंट का पाउडर दिया इनको पीस के, वो ईंट के पाउडर से इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिला है और अभी एक हेल्दी हो गया है। पकड़ ले इसको, पकड़ ले, लेके आ जाए इधर, देखो ऐसा अभी हेल्दी हो गया है काफ़ी। ये इसका जो हेड है ना ये वाइट रहेगा, पूरा व्हाइट रहेगा, और इसकी दूम है वो ग्रे कलर की रहेगी, ये जैसे कोहिनूर था वैसे। हाँ, और ये फीमेल है ये, देख इसके पैर देख कितने पतले पतले, उंगलियाँ ये सब है ना, फीमेल में रहता है ये सब। मेल रहता तो एकदम मोटा रहता ना, मेल रहता तो ये उंगलियाँ बड़ी रहती थी और चौड़ी मोटी रहती थी जैसे कोहिनूर है, और इसकी हाँ इसकी हेल्थ भी थोड़ी अच्छी रहती थी, ये फीमेल है। और ये देखो इसके नीचे इसका कलर गया है कोहिनूर के ऊपर, और इसका जो बॉडी है ना वो गया है उसकी मम्मी पे, जलाली पे। और ये इसका पेट भरा ना, हाँ अभी इसके माँ बाप और खिलाएंगे इसको, जा जाके छोड़ दे अंदर। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ अपने बेडरूम में, और अभी तकरीबन 7:30 बज गए होंगे। अभी आज भी एक्चुअली मैंने अपना कंप्यूटर सुबह स्टार्ट नहीं किया था, यूजुअली मैं मॉर्निंग में एनिमेशन का थोड़ा सब अपना काम कर लेता हूँ, लेकिन आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो इसलिए मैंने अभी अपने पीसी को ऑन किया है। जो मेरा करंट सीन है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ वो है ये, और अभी ये रफ चल रहा है तो मैं एक प्ले करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मुझे करनी है अभी, पोजिंग वगैरह को लेकर, और की एनिमेशंस भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो अभी काम चल रहा है और मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब बिजी रहने लगा हूँ मैं, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इसको कंप्लीट करने का। एनिमेशन है ये, अपने चैनल पे जल्दी अपलोड करना है, और बस मैं सोच रहा हूँ कि मतलब वो जो फायर है ना वो फायर नहीं आ रही है, बहुत लेजीनेस हो रहा है मुझे, और बस अभी तो यही कर रहा हूँ मैं। अपने एक्शन फिगर को अभी तक मैंने आगे कुछ किया नहीं है, और इतने दिनों से मैं ऑटो कैड पे अपने डिज़ाइंस बना रहा था, फिर मैंने एक दो दिन का ब्रेक लिया है, और उसके बाद अब मैं एनिमेशन इसका कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो होपफुली मैं इसको जल्दी कंप्लीट कर लूँगा। और बस अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल एंड टेक केयर एंड बाय बाय।